जबलपुर परिवहन कार्यालय में आरटीओ द्वारा ऑटो चालक को धमकी देने के मामले में ऑटो चालक संघ ने मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी के नाम एक ज्ञापन दिया है। ऑटो चालक के अध्यक्ष ने एसपी को बताया कि सभी ऑटो चालकों के परिवहन संबंधी सभी कागजात पूर्ण हैं। बावजूद इसके आरटीओ संतोष पाल द्वारा ऑटो चालकों को जबरन परेशान कर अवैध वसूली की जा रही है। वहीं इसका जीता जागता उदाहरण ये वीडियो है जिसे ऑटो चालक ने आरटीओ से परेशान होकर बनाया, जिसमें आरटीओ संतोष पाल सीधे तौर पर ऑटो चालक को धमकी देते हुए उसकी गाड़ी में गांजा रखकर उसे जेल भिजवाने की धमकी देते नजर आ रहे हैं। वहीं उन्होंने जबलपुर पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। वहीं ऑटो चालक संघ ने पुलिस अधीक्षक से आरटीओ संतोष पाल के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। बाइट व्यू। इस संबंध में एसपी सिद्धार्थ बहुगुड़ा ने कहा कि ऑटो चालक संघ ने एक ज्ञापन दिया है जिस पर आरटीओ जबलपुर के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग की गई। ये बताओ क्यों परेशान हो गए थे कि आपको वीडियो बनाना पड़ा? सर मैं एक हफ्ते से परेशान था, मेरे कागज भी कंप्लीट थे, गाड़ी बंद है, मैं खाली गाड़ी खड़ी थी किनारे, खाना खाने के लिए डिब्बा निकाला, उन्होंने गाड़ी उठा के बंद कर दी। मैंने सर खाली खड़ा हूँ, कागज भी कंप्लीट है, नई गाड़ी थाने ले जाओ, वो थाने में ले आए खड़ी कर दी, उन्होंने चेक करने भी नहीं आए कागज। कौन? आईटीओ साहब संतोष पाल जी। उस दिन मैंने पूछा सर अब गाड़ी कैसे चला सकते हैं अपन, भाई कागज कंप्लीट है, आप तो खाली गाड़ी उठा के बंद कर देते हो, हमारा घर कैसे चलेगा आप बताएं। तो उन्होंने जवाब में वही दिया था, 100 ग्राम गांजा रख के हम आपको जेल भेज देंगे, ज़्यादा बात करोगे तो। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो आपने वीडियो बनाने क्यों सोची कि वीडियो बनाया जाए, कैसे दिमाग में आपके आया? मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, मैंने ये सोचा था कि जो कुछ सवाल बोलेंगे कि भाई इस नियम पर चलना है तो हम उस नियम के हिसाब से चार लोग को बता देंगे कि भाई ऐसे नियम दे रहे हैं सर तो इस नियम के हिसाब चलो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, उनका जवाब तो कुछ उल्टा ही था, सबको ही देख रहे हैं। क्या था जवाब? उनका जवाब ये था कि पुलिस वाले जैसे आपको मुजरिम बनाना हो बाजार चक्कू खरीद के जेब में रख के आपको मुजरिम बना देते हैं, ऐसे ही में 100 ग्राम गांजा रख के आपको डायरेक्ट जेल भेज देते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद फिर दोबारा उनका फ़ोन या कोई धमकी? नहीं अभी तो नहीं आई, पर सर कल मिले थे तो उन्होंने खुद गाड़ी रोकी थी पर फिर निकल गए थे, फिर वो कुछ बोले नहीं। नाम क्या आपका? मेरा नाम भरत बर्मन है। वो कल के लिए आरटीओ साहब का वीडियो वायरल हुआ था, इसमें कहा जा रहा था कि जिस तरह पुलिस फंसाती है उसी तरह हम भी फंसा देंगे, तो सर क्या उनकी इस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? अभी आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जबलपुर ऑटो संघ के काफ़ी पदाधिकारी और अपने ऑटो ओनर्स भी यहाँ पे आए, उन्होंने एक ज्ञापन आरटीओ संतोष पाल के विरुद्ध दिया है और उसमें ये प्रतिवेदित किया है कि झूठे पैसे फंसाने की कोई धमकी दी है, एक वीडियो वायरल होने का भी उल्लेख है। इस सभी प्रकरण में जो है हम विधिवत जांच करेंगे और इसलिए उसके बाद आवश्यक कार्रवाई करेंगे। कुछ एक केस कुछ बताया था किसी बस को रोकने वाला, उसकी भी हम जांच करेंगे। और फिर सही खराब करने के लिए पुलिस का सीधा आरोप लगा रहे कि गांजा रख के कर देंगे, नहीं चाकू वाले पुलिस वाले, पुलिस वाले चाकू रख के, अब वो जो उन्होंने कहा है उसकी हम अलग से जांच करेंगे उस पर। लेकिन अभी जो फिलहाल जो ज्ञापन आया है ये जबलपुर ऑटो संघ द्वारा दिया गया है, इसको हम संज्ञान में लेते हैं। सर दी एक मिनट। फिलहाल इस पूरे मामले को जांच में लेकर आगे की कार्यवाही की जाएगी। रिपोर्ट खबर मध्य।